अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तुलबा, आज हम मैथमेटिक्स ग्रेड 4 यूनिट 2 की आखिरी एक्सरसाइज, जो हर यूनिट के आखिर में रिव्यू एक्सरसाइज के नाम से होती है, वो हम पढ़ेंगे। इसके टोटल 9 क्वेश्चंस हैं। तो पहला क्वेश्चन है, एमसीक्यूज़ है, टिक द करेक्ट ऑप्शन। 13 इज़ अ डैश नंबर। 13 कौन सा नंबर है? प्राइम नंबर है। इफ डैश ऑफ द डिजिट्स ऑफ अ नंबर इज डिविजिबल बाय 3, देन दैट नंबर इज डिविजिबल बाय 3। इफ सम ऑफ द डिजिट्स, चार ऑप्शन है, सम, डिफरेंस, प्रोडक्ट, कोशेंट। तो इसका पहला ऑप्शन है सम। डिजिट्स को सम करेंगे, वो 3 पे डिवाइड हो तो वो पूरा नंबर 3 पे डिवाइड। ये 3 का डिविजिबिलिटी रूल है। सी है प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 24। इसका तीसरा ऑप्शन है 2, 2, 2, 3, और द कॉमन प्राइम फैक्टर ऑफ 2 एंड 4 इज 2 और 4 का कॉमन प्राइम फैक्टर क्या है? 2। इसका दूसरा ऑप्शन है द फर्स्ट कॉमन मल्टीपल ऑफ 5 एंड 10। 5 4s are 20, 10 2s are 20। इसका तीसरा ऑप्शन है 20। तो ये पहला सवाल हो गया। दूसरा सवाल है, यूज द डिविजिबिलिटी रूल्स टू कंप्लीट द गिवन टेबल। नंबर्स दिए हुए हैं ए बी सी डी एफ। पहला नंबर है 112। अब बताना ये किस किस पर कंप्लीट डिवाइड होगा इन नंबर्स में से। ये है इवन, ये भी इवन है, इवन 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 इवन, सारे 2 पे सिवाय इसके, ये तमाम 2 पे डिवाइड होंगे। टिक कर देते हैं या यस लिखेंगे, नो, बाकी सब पे टिक करेंगे। ठीक है जी, 2 पे डिवाइड हो गए सारे सिवाय इस सी पार्ट के। अब ये ऑड है, इसको हम 3 पे चेक करेंगे, फिर बाकियों को भी 3। 5 प्लस 4 9 प्लस 9 18, ये 3 पे डिवाइड होगा। अब इनमें से कौन कौन से 3 पे डिवाइड होंगे, उनके डिजिट्स को प्लस करेंगे, ये हम आखिर में करते हैं। पहले 5 पे देख लेते हैं। 5 पर कौन कौन से नंबर डिवाइड हो रहे हैं? 1, 2, 3, सिर्फ 3 नंबर्स, डी ई एफ। डी के सामने टिक लगाते हैं, डी, उसके बाद ई और एफ, तीनों ये तरतीब में हैं, तीनों ये, एफ नहीं डिवाइड हो रहा 5 पर, और जी पार्ट हो रहा है 5 पर डिवाइड। कौन कौन से पार्ट हो रहे हैं 5 पर? 1, 2, 3, और यही पार्ट 10 पर भी हो रहे हैं, और किसी और बाकी कोई पार्ट 10 पे डिवाइड नहीं हो रहा, 1, 2 और ये 3, क्योंकि अब इनमें कोई ऐसा नंबर नहीं है जिसमें यूनिट प्लेस पर 5 हो, तो वो फिर 5 पर होता, सिर्फ 0 वाले 5 पर डिवाइड हो रहे हैं 3। 10 पर भी यही 3, बाकी क्रॉस। अब हम 2 को 5 को और 10 को चेक करना सबसे आसान है, सिर्फ यूनिट प्लेस का डिजिट देखेंगे। अब 3 इनमें सबसे इम्पोर्टेंट, 3 का रूल है 2 प्लस 1 प्लस 4, 4 आ रहा है, ये डिवाइड नहीं होगा। अब इन तीनों को प्लस करें डिजिट्स को, यह है इवन, 2 पे हो रहा है। अब 9 प्लस 17, 17 प्लस 6, 23, ये भी डिवाइड नहीं होगा। उसके बाद 5 प्लस 6, 11 पार्ट है डी, ये भी डिवाइड नहीं होगा। अब इनको 8, 1, 8, 1, 9 प्लस 9, 18, ये 3 पे डिवाइड होगा, ये वाला, यानी ये वो नंबर है जो 2, 3, 5 और 10 तीनों पे डिवाइड हो रहा है। अब इसको 9, 9, 18 प्लस, ये भी 3 पे डिवाइड होगा, 5 और 10 पे नहीं होगा, 2 और 3 दोनों पर होगा। अब ये नंबर है 5, 3, 8 प्लस 8, 8 प्लस 8, 16, ये 3 पे डिवाइड नहीं होगा, 10 और 5 पर होगा, 2 पर होगा। अब 4 प्लस 3, 7 प्लस 3, 10, ये भी 3 पे डिवाइड नहीं होगा। तो ये सवाल नंबर 2 इम्पॉर्टेंट सवाल था, इसको हमने मुकम्मल किया है। बुक को सामने रखें और इस सवाल को अच्छी तरह समझ लें। इसके बाद है जी, राइट फर्स्ट 12 कंपोजिट नंबर्स। सवाल नंबर 3 करेंगे अभी। पहले 12 कंपोजिट नंबर्स लिखने हैं। आदाद की जो पहली लाइन है 1 से 10,
इसमें हम पहले भी पढ़ चुके हैं, ये सवाल नंबर 3, फर्स्ट 12 कंपोजिट नंबर्स, फर्स्ट 12 कंपोजिट नंबर्स आर। तो पहला कंपोजिट, सबसे पहला या सबसे छोटा कंपोजिट है 4, 6, 8, 9 और 10। ये जो पहले 10 नंबर हैं, इनमें से 4 प्राइम हैं, 5 कंपोजिट हैं और 1 न प्राइम न कंपोजिट। अगली जो आदात की लाइन है वो है 11 से 20, इसमें भी 4 प्राइम हैं, 6 कंपोजिट हैं, 12, 14, 15, 16, 18, 20, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 और 5, 11। उसके बाद क्या होगा, अब है 21 से 30 के दरमियान सिर्फ 2 प्राइम है, 8 कंपोजिट, 21 खुद कंपोजिट है, बस ये 12 हो गए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 12 कंपोजिट नंबर्स आ गए, पहले 12। क्वेश्चन नंबर 4, राइट प्राइम नंबर्स बिटवीन 21 एंड 60। 21 और 60 के दरमियान जो प्राइम नंबर्स हैं, 21 क्या है, कंपोजिट है, 60 भी इनके दरमियान वाले, तो अभी देखें 21 से 30 के दरमियान। अब हमने आदात की 4 लाइनों को समझना है, पहली है 21 से 30, फिर है 31 से 40, फिर है 41 से 50, फिर है 51 से 60। ये 4 लाइनों को आप जहन में रखें और इनके इनके जो प्राइम नंबर्स हैं वो लिखेंगे, किसी में 2 होंगे किसी में 3 होंगे। देखें सबसे पहला इस लाइन में यहाँ लिखेंगे प्राइम नंबर्स बिटवीन 21 एंड 60 आर इक्वल टू, 21 शामिल नहीं करते, 22 प्राइम नंबर्स बताने हैं, सिर्फ प्राइम कंपोजिट नहीं बताने। पहला इस लाइन में सिर्फ 2 प्राइम है, 23 और 29, इस लाइन में सिर्फ 2 प्राइम है, 31 और 37, इस लाइन में 3 प्राइम है, 41, 43 और 47, इस लाइन में सिर्फ 2 प्राइम है, 53 और 59। तो ये है 21 से 60 के दरमियान 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 9 प्राइम नंबर्स हैं, बाकी सारे कंपोजिट हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है 5, 6, 7, 8, 9, ये बिल्कुल एक्सरसाइज जो 3 हमने इससे पिछली एक्सरसाइज पढ़ी थी उसके एन मुताबिक है, इसके एक एक दो दो पार्ट्स हम करेंगे जो इम्पोर्टेंट हैं। क्वेश्चन नंबर 4 हो गया, 5 फाइंड द फैक्टर्स ऑफ द गिवन नंबर्स। क्वेश्चन नंबर 5 फैक्टर्स बताने हैं, यानी वो नंबर्स बताने जिन पर ये कंप्लीट डिवाइड होते हैं। पहला नंबर है 10, फिर है 25, 46 है, 47 है, तो देखें जी पहला पार्ट है 10, इसके फैक्टर्स बताने हैं, फैक्टर्स ऑफ 10 वो है 1, 2, 5 और 10, 4 फैक्टर्स हैं। पहला 1 और आखिरी फैक्टर होता है 10। अच्छा एक चीज बताना थी, ये जो नंबर 10 है ना, इसका आखिरी फैक्टर 10 है और ये 10 का पहला मल्टीपल 10 है, दूसरा 20 है, तीसरा 30 है। मल्टीपल्स पहला मल्टीपल वो खुद होता है हर नंबर, और फैक्टर्स में आखिरी फैक्टर हर नंबर का आखिरी फैक्टर वो खुद होता है। तो 10 का पहला आखिरी फैक्टर 10, 10 का पहला मल्टीपल 10। इसी तरह कोई ऑड नंबर समझ लें, 25 का आखिरी फैक्टर 25 और पहला मल्टीपल, इसके और फैक्टर्स भी हैं, 1, 5, 3 फैक्टर्स हैं और मल्टीपल्स बेशुमार होते हैं हर नंबर्स के। ये मल्टीपल्स और फैक्टर्स के बारे में ये फैक्ट है, ये की फैक्ट है, इसको ज़रूर अपने जहन में रखें हमेशा। अच्छा जी, अब हमारे पास है जी
25 है वो हमने लिख लिए हैं, उसके तीन फैक्टर्स हैं 1, 5 और 25। इसके बाद है जी 35, इसके भी तीन फैक्टर्स हैं, ये है प्राइम नंबर, तो ये है कंपोजिट नंबर, ये सिर्फ 5 और 7 पर डिवाइड होगा। 35 के फैक्टर्स हैं 1, 5, 7 और खुद 35, फैक्टर्स ऑफ 35। ये कौन सा पार्ट है? ए और सी, बी मैंने यहाँ पे लिख दिए हैं, ए और सी। इसके बाद एक नंबर है इसमें 46 है, 38 है और 47, डी एच और आई, ये तीन करते हैं, ये इम्पोर्टेंट हैं, डी एच और आई। इसका है जी 47, 46 और एच है 47 और आई है 38। ये इवन नंबर है, इसको इसका पहला फैक्टर तो खुद 1 है, दूसरा 2 होगा, जब इसको 2 पे डिवाइड करेंगे जवाब आएगा 23 और आखिरी फैक्टर होगा 46। इस ये प्राइम नंबर है 47, इसके दो ही फैक्टर होंगे 1 और 47। 38 को जब ये इवन नंबर जब इसको 2 पे डिवाइड करेंगे तो जवाब आएगा 19, पहला फैक्टर 1, आखिरी 38, इसके चार फैक्टर, इसके सिर्फ ये प्राइम नंबर भी है और बाकी सारे कंपोजिट हैं, इसके दो फैक्टर्स हैं। सवाल नंबर 6, फाइंड द फर्स्ट 6 मल्टीपल्स ऑफ द गिवन नंबर्स। 2 के पहले 6 मल्टीपल, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 6 के पहले 6 मल्टीपल्स, 6, 12, 18, 24, 30, 36, 5 के, 9 के, फाइंड द प्राइम फैक्टर्स ऑफ द गिवन नंबर्स। क्वेश्चन नंबर 7 है, वो 6 ओरल था। अब हम क्वेश्चन नंबर 7, 8 और 9, तीन क्वेश्चंस करते हैं। 7, फाइंड द प्राइम फैक्टर्स ऑफ द गिवन नंबर्स, तो इनके सिर्फ उससे पहला सवाल था पांचवा, जिसमें ऑल फैक्टर्स फाइंड करने थे, अब हमने सिर्फ प्राइम फैक्टर्स, जैसे 38 नंबर है, आई पार्ट है, आखिरी पार्ट है इसका जे, और आई है 41 और जे है 38, तो इसके प्राइम फैक्टर्स हैं 48 के, प्राइम फैक्टर्स ऑफ 41, एक ही है प्राइम फैक्टर 41, वैसे इसके दो फैक्टर्स हैं 1 और 41, प्राइम फैक्टर 41 है। इसके बाद 38 के प्राइम फैक्टर्स हैं 38 इवन नंबर है, इसको जब 2 पे डिवाइड करेंगे दूसरा फैक्टर आएगा, बस ये दो प्राइम फैक्टर्स हैं इसके, 2 और 19। इसी तरह 5 का एक प्राइम फैक्टर है, 19 का भी एक है, 19 खुद, 22 के दो हैं, 2 एंड 11, 15 के 3 एंड 5 प्राइम फैक्टर्स, 40 के और 21 के 3 और 7, 8 के 3 टाइम्स 2, 2, 2, 2 कॉमर्स के साथ। अब ई और एच करते हैं इसके, ई और एच, एक है जी नंबर, ई नंबर है जी 40 और 30, अब इसके प्राइम फैक्टर्स फाइंड करते हैं। ये 40 नंबर है, इसको जब हम 2 पे डिवाइड, पहला है 2 प्राइम नंबर है, दूसरा फिर 2 है, फिर 2 है और उसके बाद 5 है। देखें 40 को जब हम 2 पे डिवाइड करेंगे, इसको कर लेते हैं, जवाब आएगा 20, इवन नंबर है, फिर 2 पे डिवाइड करेंगे 10, फिर 2 पे डिवाइड होगा 5, फिर 5 पे डिवाइड होगा, तो 3 टाइम्स 2 और 5, ये हैं 40 के प्राइम फैक्टर्स। अब हैं प्राइम फैक्टर्स ऑफ 30 भी इवन नंबर है, जब इसको 2 पे डिवाइड करेंगे जवाब आएगा 15, 15 कंपोजिट है, इसको जब हम 5 पे या 3 पे डिवाइड करेंगे तो दो और फैक्टर आएंगे, इसके तीन प्राइम फैक्टर्स हैं 30 के। चलिए सवाल नंबर 8 है,
फाइंड द कॉमन प्राइम फैक्टर्स ऑफ द गिवन नंबर्स. अब हमने प्राइम फैक्टर्स निकाल के उनमें से कॉमन बताने हैं. यह है सवाल नंबर 8. जैसे पिछली एक्सरसाइज में अभी हम ऐसा सवाल कर चुके हैं. अच्छा जी, इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट है सी पार्ट 28, 56 और 14. सवाल नंबर 8 का, 8 का सी पार्ट 28, 56, 14. 28, 56 और 14 तीनों इवन नंबर्स हैं. अच्छा, कोई इवन के अलावा कोई ऑड भी है इनमें? एक इवन ऑड वाला है डी, वो डी पार्ट भी करेंगे अभी हम. अच्छा, सबसे पहले प्राइम फैक्टर्स ऑफ 28, पहला होगा 2, फिर जवाब आएगा जब 28 को 2 पे डिवाइड 14, 14 को फिर 2 पे डिवाइड करेंगे, ये तीन फैक्टर्स हैं. 56 को करते हैं, 56 को जब 2 पे डिवाइड करेंगे जवाब आएगा 28. तो इसका मतलब इसका पहला फैक्टर 2 और बाकी यही तीन फैक्टर्स. 28 को जब करते हैं जाएंगे डिवाइड तो ये तीन फैक्टर्स और आएंगे. अब है 14, 14 को जब 2 पे डिवाइड करेंगे पहला फैक्टर होगा 2, दूसरा होगा 7, और इसके दो फैक्टर्स हैं. अब कॉमन फैक्टर्स कौन कौन से हैं जो तीनों में कॉमन हो? तीनों में कॉमन एक 2 है और एक 7 है. तो हम लिखेंगे प्राइम कॉमन फैक्टर्स ऑफ 28, 56 एंड 14 आर 2 एंड 7. तो सी के बाद एक और सवाल इम्पॉर्टेंट है डी. डी पार्ट है इसका 17 एंड 34. 17, 34. अब प्राइम फैक्टर्स ऑफ 17, एक ही प्राइम फैक्टर है इसका. प्राइम फैक्टर्स ऑफ 34, 34 इवन नंबर है, जब इसको 2 पे डिवाइड करेंगे जवाब आएगा 17. तो इन दोनों का प्राइम फैक्टर एक ही है 17. प्राइम कॉमन फैक्टर या कॉमन प्राइम फैक्टर दोनों का एक ही मतलब है, ऑफ 17 एंड 34 इज इक्वल टू 17 आंसर. तो ये हमारा सवाल नंबर 8 है. इसके बाद फाइंड द फर्स्ट कॉमन मल्टीपल ऑफ द गिवन नंबर्स. फर्स्ट कॉमन मल्टीपल बताना है नंबर्स का, इसका भी एक पार्ट करते हैं जो इम्पॉर्टेंट है. दो हैं तो दो करेंगे, टोटल हैं 6 पार्ट्स. अच्छा, 2 और 7 का फर्स्ट कॉमन मल्टीपल, पहला क्वेश्चन नंबर 9 का ए पार्ट 2 एंड 7. अच्छा, ये जो 2 है ना और 7 दोनों हैं प्राइम नंबर्स, तो इनका फर्स्ट कॉमन मल्टीपल क्या आएगा? 14. इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, पहले लिखेंगे मल्टीपल्स ऑफ 2, कोई से 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 अप टू सो ऑन. प्राइम मल्टीपल्स ऑफ 7, पहला 7, दूसरा 14, तीसरा 21, चौथा 28. तो फर्स्ट कॉमन मल्टीपल इन दोनों का है 14. ये तो फर्स्ट कॉमन मल्टीपल ऑफ 2 एंड 7 इज इक्वल टू 14. पहला कॉमन मल्टीपल है 14. इसी तरह 6 और 10 का पहला कॉमन मल्टीपल क्या होगा? 6 5s are 30 10 30 होगा इनका पहला कॉमन मल्टीपल. 6 के मल्टीपल्स लिखेंगे 30, 5 मल्टीपल. 10 के 3 लिखेंगे, पहला कॉमन आ जाएगा. मल्टीपल्स ऑफ 6, मल्टीपल्स ऑफ 10. सी पार्ट इम्पॉर्टेंट है. 28, सी पार्ट है 12, 14, 18. सी पार्ट करते हैं 12, 14, 18. इम्पॉर्टेंट पार्ट है सवाल नंबर 9 का सी पार्ट 12, 14, 18. अब हम मल्टीपल्स ऑफ पूरा लिखना है आपने. मैं टाइम को बचाने के लिए मल्टीपल्स ऑफ 14, मल्टीपल्स ऑफ 18. अच्छा, 12 के हम कोई 5-7 मल्टीपल लिखते हैं. 20, 12, 24,
36, उसके बाद 48, 60, 72, उसके बाद 84, उसके बाद 96, 108, 120, 10 लिखते हैं. 14 के 14, 28, 42, 56, 70, 84, 84 के बाद 98, 112, 126 और 140, इसके भी 10 लिखे हैं. 18 के 18, 36, 36 इन दो में कॉमन है लेकिन 14 में नहीं है. और इसी तरह अगला है जो कॉमन आ रहा है 84, इन दो में कॉमन है, इसमें देखते हैं 18, 36, 54, 72, 90, 108, उसके बाद 18 के मल्टीपल्स 1, 2, 3, 4, 5, 6, सातवां मल्टीपल 7, 8 जार 56, 5, 7, 5, 7, 1 जार 7 प्लस 5, 12, 126, अगला है, इसका भी 126 है, लेकिन इसमें 132 आएगा. लिखते जाते हैं, इसके और मल्टीपल्स लिखेंगे, यह बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है. 12, 14, 18 के मल्टीपल्स हमने 10, 10 लिख लिए हैं. आगे अभी इसका एक और आएगा 7, अब 8 से, 8, 8 जार 64, 8, 1 जार 8 प्लस 144, उससे अगला होगा 109, 8 जार 72, 7, 9, 1 जार 7, 162, और अगला होगा 180. अच्छा जी, अब अभी तक कोई कॉमन नहीं आया 12 के टेबल में. अच्छा, अब इसके कुछ और मल्टीपल लिखते हैं. 194 अगला आएगा. 14 के पहले लिखते हैं कुछ, फिर 14 के कुछ मल्टीपल्स और लिखते हैं. 100 पहले 18 के, फिर 194, 212, 220, 230, 216, उससे अगला आ रहा है 234, उससे अगला आएगा 252, उससे अगला आएगा 11, 12, 13, 14, अब 15 आएगा 280. अच्छा, अब इसके लिखते हैं 132, 144, 156, 156 आ रहा है, इसमें नहीं आ रहा, 178, 12 का है, 168 और 180. अब इसके देखते हैं 140, उसके बाद 154, 168, इसमें फिर 14 प्लस करें, 182, उसके बाद 196. अभी तक फर्स्ट कॉमन मल्टीपल नहीं आया, तो इसको हम डिवीजन के मेथड से भी कर सकते हैं, वो हम यहाँ शॉर्ट फॉर्म में करते हैं इसको. ये है 12, 14, सबसे पहले 2 पे डिवाइड होंगे,
और ये दोनों 3 पे डिवाइड होंगे, 7 7 3। अब मैं 2 3s are 6, 2 3s are 6, 6 6s are 36, 36 को 7 से मल्टी, 7 6s are 42, 7 3s are 21, 2 52 आगे इसमें 252 तक जाएंगे, इसमें भी 250, तो इनका फर्स्ट कॉमन मल्टीपल तीनों का आ रहा है 12 14 18 का आ रहा है 252, यानी ये तीनों नंबर पर ये 252 कंप्लीट डिवाइड होगा, तो ये फर्स्ट कॉमन मल्टीपल है। ये आखिरी पार्ट था, सी पार्ट था, सवाल नंबर 9 का सबसे इम्पोर्टेंट सवाल था। इसके कुछ मल्टीपल्स आगे और लिखने हैं, तो इसमें भी 252 आ जाएगा, इसमें भी 252 आएगा, इसमें 252 आ चुका है, 11 12 13 14वां मल्टीपल है इसका। तो ये हमारा सवाल कंप्लीट हो गया। तो मज़ीद मल्टीपल्स लिख के इसको कंप्लीट करना है। मैंने शॉर्ट फॉर्म डिवीजन फॉर्म से इनका कॉमन मल्टीपल निकाल लिया, 252 आ गया। तो इसका आंसर बुक में भी चेक कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 का सी पार्ट है, रिव्यू एक्सरसाइज यूनिट 2, क्वेश्चन 9 का सी पार्ट, 252 आंसर है। जी लें जी, हमारा ये लेसन कंप्लीट हो गया। तो ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था, इसको हमने तफसील से किया है। तो अब मैं इजाज़त चाहता हूँ, इन असबाक को सुनें, समझें, प्रैक्टिस करें और यूनिट 2 की कंप्लीट प्रैक्टिस करें, बच्चों को करवाएं। इसी तरह यूनिट 1 के असबाक को भी साथ साथ रिवाइज करते रहें, क्योंकि यूनिट 1 बहुत इम्पोर्टेंट है। यूनिट 1 में जो जो चीज़ें हमने सीखी हैं वो यूनिट 2 में भी यूज़ हो रही हैं, फिर यूनिट 3 में यूज़ होंगी। तो यूनिट 1 बुनियादी है, उसके असबाक को कभी कभी सुनते रहें और उनकी प्रैक्टिस करते रहें। इजाज़त चाहता हूँ, अस्सलामु अलैकुम।